गुड मॉर्निंग। हम फिर से वॉक करते हुए आ गए आपके सामने। हम मिस नहीं करते, भले कितनी भी बारिश हो हम आ जाते हैं। कल भी कंटेंट में भी हमारे सेम ही आ रहे हैं। हाँ, अब डेली रूटीन में अगर वॉक करता आदमी तो दिखा सकता है ना, ऐसा सेम की क्या बात है इसमें। सेम पॉपी सेम। हाय, मेरी नज़र ढूंढ रही है मेरे दोस्त को। मेरा दोस्त मिलने वाला है, मेरा बड़ी जेरी। तो आज हम जा रहे हैं वैक्सीन का डोज लेने के लिए, हमारा फर्स्ट डोज लेने के लिए। बड़ी मुश्किल से हमें मिल रहा है, बहुत कोशिश किया नहीं मिला। फिर मेरी फ्रेंड का सडनली कॉल आया कि यार तुमने लिया है क्या, और वी वर लाइक नो अभी तक तो नहीं। उसने सब कुछ अरेंज भी कर दिया, तो आज हम लोग जा रहे हैं। यस। और मैं थक रही हूँ क्योंकि मैं बहुत स्पीड में चल रही हूँ। हाँ। और जेरी आ गया। जेरी आ गया तो जेरी से मिल रही है। तो जेरी आ गया, जेरी से मिल लो। मिल लिए रे, मेरे मुंह से निकल गया, उससे गलती हो गई। चलो मॉर्निंग वॉक हो गई और हम लोग काफ़ी लेट हो रहे हैं। अभी वैक्सीनेशन के लिए निकलना है। सोना नहा ली है, वो भी ब्रेकफास्ट बना रही है। मैं नहाने जाता हूँ, अभी देखता हूँ अगर वो फ्री होगी तो बात करेंगे, अदरवाइज मैं उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता। मैं जा रहा हूँ नहाने। ओके। सो अभी मैं नहाने के लिए जाता हूँ, क्योंकि ज़्यादा लेट हो गया तो फिर प्रॉब्लम होगा। अभी डोंट नो कि वहाँ पे शूट कर सकते हैं कि नहीं, और हम जिनके साथ जा रहे हैं वो कंफर्टेबल है कि नहीं ब्लॉगिंग के लिए। सो विल सी कैसा होता है। अभी मैं जाता हूँ, मैं तो अभी। और अंदर से आवाज आई कि सोफी को डर लग रहा है, बहुत ज्यादा डर लग रहा है। कोई नहीं, डर के आगे जीत है, डर के आगे वैक्सीन है। वही तो नहीं लगाना। वैक्सीन कितनी इतनी फेक न्यूज आती है ना, थोड़ा थोड़ा डर तो लगता है। वैक्सीनेशन डन। दुख रहा है क्या? बहुत दुख रहा है। यहाँ वैक्सीन लगी और ये लड़की को शॉपिंग करना है। इधर बैठे बैठे बैग्स देख रही है। मुझे लेना है आपको? हाँ। 4,000 का बैग लेना है? तभी मैं सोचूं मेरा क्रेडिट कार्ड के बिल इतने क्यों आ रहे हैं। बाय द वे, हमको वैक्सीन लग गया, अभी 30 मिनट तक ऑब्जर्वेशन में हम लोग। ऐसा व्यू आपको रोज देखने मिले, मजा आ जाए यार। बहुत सही है, पहाड़ी पहाड़ है यहाँ पर। बाय द वे, वैक्सीनेशन डन, घर जा रहे हैं। हाँ, हो गया है। थोड़ा छाव में आ जाओ। हाँ, क्या? वैक्सीनेशन तो हो गया है, घर जाना है। भूख लग रही है, सर ना दर्द करना शुरू हो जाए। मुझे ये कि फीवर ना आ जाए मुझे। आपको नहीं लग रहा है? नहीं, बिल्कुल। सुई लगी, सुई यहाँ पे लगी सुई। आई होप कि अभी तबियत खराब ना होगा। इनको दर्द नहीं हुआ, मुझे दर्द हो रहा है। पता नहीं, तो बहुत दर्द हो रहा है। तो बिल्कुल नहीं। बाय द वे, व्यू मस्त है इधर। हाँ, व्यू बहुत पहाड़ वहाड़ है, दिखाई नहीं देंगे शायद। हाँ, दिखे वो रहे। पीपल, हम लोग घर आ चुके हैं, हमारा वैक्सीनेशन हो गया है। तो जैसे कि आप लोगों ने व्लॉग में देखा कि हम लोग का वैक्सीनेशन हो गया था, लेकिन आगे जो भी हुआ उस चीज़ का मैंने व्लॉग नहीं करी, क्योंकि जो मेरी फ्रेंड है वंदना, हम उनके जीजाजी के घर गए जो हमारे साथ में थे। आप लोगों ने देखा होगा फोटो, मैं आपको यहाँ मेंशन कर दूंगी। लगा ही नहीं कि हम लोग पहली बार उनसे मिले हैं या पहली बार उनके घर गए। तो सबसे पहले तो मैं शैलेश को थैंक यू बोलूंगा, क्योंकि उनके ऑफिस की तरफ से वैक्सीनेशन ड्राइव था, तो वो हमको लेकर गए वैक्सीनेट कराने के लिए। तो उसके लिए सबसे पहले थैंक यू। और देन फिर हम उनके जिया जी से और दीदी से मिले। वो बहुत बहुत अच्छे लोग हैं। फिर बहुत कूल है, जिया जी ने सिर्फ हमको बोला था कि चाय पीने चले। तो हम तो पहले मना कर रहे थे, क्योंकि हम दोनों भी चाय नहीं पीते, क्योंकि और प्लस जाना भी था, क्योंकि मम्मी यहाँ वेट कर रही थी। हाँ, बच्चे थे, मैंगो बेरी थे, और शैलेश भी मना ही कर रहे थे, लेकिन फिर हम लोग सिर्फ चाय पीने के लिए गए। इतने सालों बाद इतनी प्यारी फैमिली से, मतलब मुझे एक्चुअली इतनी प्यारी फैमिली से मिले हुए तो कहीं जमाना ही हो गया होगा, या तो फिर मैं तो मूवीज में ही देखती होंगी। इतने वेलकमिंग और इतने प्यारे लोग मैंने बहुत सालों बाद देखी हूँ। एक्चुअली हमारे रिलेटिव में भी ऐसा कोई है नहीं शायद। एंड मैं इसलिए बता रही हूँ आपको ये सब, क्योंकि उनके साथ में इतना घुल मिल गए कि मैं कैमरा उठाकर उनको भी ऑकवर्ड नहीं करना चाहती थी,
और एक्चुअली भूल ही गई थी कि व्लॉगिंग भी करना चाहिए, मजा आ गया मजा था ना उनकी। और जो जिया जी की जो मदर है ना वो भी बहुत स्वीट बहुत है, स्वीट उन्होंने है। वो अचार भी दिया, मतलब मेरे को बहुत अच्छा अचार लगा था। सोना ने उनको बताया तो उन्होंने ना अचार पैक करके दिया जो मुझे कि दिया, बहुत, हाँ मुझे आपको दिया। लगा अच्छा इट वाज अ लगा। स्वीट गेस्चर। और कैमरा मुझे अभी ऐसे हाथ में पकड़ के बैठना पड़ रहा है, जिस हाथ में इंजेक्शन दिया है वही हाथ से पकड़ के बैठ रही, कंफर्टेबल है एक्चुअली। एंड पीछे मैंगो उल्टी पड़ी है उसको पापा से प्यार करवाना है। तो तभी हम लोग बात कर रहे थे ना, तब हमें मुझे एक्चुअली थोड़ा सा डिजीनेस फील हुआ, मतलब ऐसा थोड़ा चक्कर चक्कर टाइप का, तो मैंने उस चीज़ को अवॉइड किया। मैं सोची कि नहीं ऐसे ही होगा नॉर्मली, लेकिन जब घर आए तब यही चीज़ निमेश ने भी मुझे बोला कि वहाँ ना मुझे थोड़ा सा डिजीनेस फील हो रहा था। तब मैंने समझ आया कि नहीं असर कुछ तो हो रहा है इंजेक्शन का। तो मैंने और निमेश ने डिसाइड किया कि हम वैक्सीन के बारे में सोचेंगे ही नहीं, कि हमें इंजेक्शन लगा है, बिल्कुल नॉर्मल रहेंगे। एंड वी डिसाइडेड कि अब सो जाते हैं थोड़ा देर, आराम करेंगे। एंड हम जैसे ही आंखें बंद कर रहे हैं, मैं लिटरली मेरा सर पूरा घूमे जा रहा। मुझे इतना अजीब लग रहा था कि मुझे वॉमिटिंग फील हो रही थी एंड मुझे चक्कर फील हो रहा था। तो मैंने बोली कि निम्मी मैं टैबलेट खा लेती हूँ, मुझे अजीब सा लग रहा है। एंड वहाँ जीजा जी के घर पे ना निम्मी मुझे बहुत गर्म फील हो रहा था एकदम से, सडनली मुझे बहुत पसीना आने लग गया था। एंड अब घर आई हूँ तो यहाँ ठंडी लग रही है, मतलब तो अजीब सा ही मुझे हो रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मेरे साथ क्या हो रहा है। मैंने टैबलेट तो जो मुझे डॉक्टर ने जो टैबलेट दिया था वो मैंने खा गई, आपके साथ ऐसा कुछ हो रहा है क्या? नहीं, मेरे को सिर्फ थोड़ा सा डिजीनेस लगा था, उसके बाद अभी तो नॉर्मल है एकदम। मतलब यहाँ पे सिर्फ ऐसा प्रेस करो तो हल्का सा दर्द होता है। तो मैं आपके साथ में आज की जो रात है मैं वो शेयर करना चाहती हूँ। अगर सो गई तो बहुत अच्छी बात है, नहीं सो पाई तो मैं व्लॉगिंग करूँगी, आपको बताऊँगी बीच बीच में मुझे कैसा लग रहा है, क्योंकि मुझे बहुत अजीब सी फीलिंग हो रही है। मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती मुझे कैसा लग रहा है, बट ये मुझे पता है कि किसी किसी को थोड़ा सा हुआ है रिएक्शन, रिएक्शन नहीं बोलेंगे, बॉडी टू बॉडी अलग 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 होता हूँ। है मतलब। तो या अभी मैं बताती हूँ आपको रात भर में हम लोग क्या करने वाले, इनका पता नहीं, ये बिल्कुल फिट है पर मुझे क्यों, मुझे अभी भी जलन हो रही है, मतलब मैं कुछ भी खा रही हूँ ना तो मुझे एसिडिटी। आपको क्या वैक्सीन हाथ में देगा पीने के लिए बोला था। तो 12:30 बजे और सोफी की तबीयत थोड़ी ज़्यादा ख़राब हो रही है, शायद फीवर चढ़ रहा है, तो अभी मैं पैरासिटामोल दे रहा हूँ सोना को, क्योंकि डॉक्टर ने वही देने बोला था कि अगर फीवर हो तो पैरासिटामोल दे देना। ऐसा लग रहा है मेरे को कि जो मेरे को लगना चाहिए था वो भी सोफी को ही लग रहा है। एक्चुअली में ऐसा ही हो रहा है, मतलब जो इनको होना चाहिए ना वो तकलीफ भी मुझे ही हो रही है, मुझे पूरे जॉइंट्स में मुझे पेन हो रहा है, मेरे हाथ में, पैर में, इन्हें हिप्स में, पूरे जो हड्डियाँ हैं ना इवन मेरी उंगलियाँ तक मेरे को एकदम दर्द कर रही है। और जितना चहल पहल में ब्लॉगिंग स्टार्ट किया था उतनी हालत ख़राब हो रही है, लेट्स सी रात भर में क्या होता है। तो जो लास्ट मैंने ब्लॉक किया था कि सोना को पैरासिटामोल दे रहा था, उसके थोड़ी देर बाद ही ना सोना बहुत ज़्यादा शिविर करने लग गई थी, तो बहुत ज़्यादा उसको ठंडी लगने लग गई थी। एंड मैं बहुत, मैं ऑनेस्टली बताऊँ मैं घबरा गया था, मैंने कहा ये यार, मैं खुद को ना एकदम ऐसा बोल रहा था कि यार कहाँ वैक्सीन लगवाने चले गए, पर वो एक्चुअली होता है बुखार चढ़ता है किसी किसी को, बहुत ज़्यादा चढ़ जाता है। तो सोफ़ी को बहुत ज़्यादा फीवर चढ़ गया था और मैं बहुत ज़्यादा घबरा गया था। अभी सोफ़ी सो रही है, मतलब हम पैरासीटामोल देने के बाद फिर मैंने और मम्मी ने सोना को सुलाया एकदम। अभी सोना को बहुत ज़्यादा ठंडी लग रही थी, तो वो वी वर लाइक कि बस अभी अगर थोड़ा सा और ज़्यादा हुआ तो फिर हॉस्पिटल लेके जाएंगे, पर लकीली सोना को नींद आने लग गई और उसकी ठंडी भी कम हो गई। मेरे को नींद आ रही है पर मैं भी सोना नहीं चाहता, क्योंकि मुझे मेरे को पता है मैं रात में क्या करूँ, सोने वाला हूँ मैं बस। अभी देखते हैं यार मैम, टेंशन वाली तो चीज़ है भाई ये वैक्सीन, सारा कोविड में भी प्रॉब्लम, वैक्सीन लगाने के बाद भी प्रॉब्लम, अभी क्या करेगा। आई थिंक सोना ने आवाज़ लगी, उठ गई वो। कैसा लग रहा है, ठंडी कम हुई, कम लग रहा है? ओके अभी बात का अपडेट पहले मैं बात कर लूँ, फिर देखते हैं। गुड मॉर्निंग, कितने जोर से बोलूँ आवाज ही नहीं निकल रहा, मैं तो बीमार हो गई ज़्यादा, बहुत पेन होता है यार, पूरा बॉडी पेन करता है, ठंडी लगती है और उल्टी जैसा लगता है, घबराहट होती है और अब पसीना आ रहा है। तो ये है नेक्स्ट डे, और सबसे पहले तो जो भी ब्लॉग बना है ये बिट्स एंड पीसेस में बना है,
रीज़न है क्योंकि सोफी की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। वैक्सीन का जो इफेक्ट होता है, साइड इफेक्ट होता है, मतलब सबको अलग अलग होता है। किसी को फीवर आता है, किसी का हाथ पेन करता है, किसी को बॉडी पेन करता है, हेडेक होता है। और सोफी के केस में जिसको मैंने बताया था कल भी, मतलब आज नेक्स्ट डे है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कल भी कि सोफ़ी को फीवर बहुत ज़्यादा आ रहा था, बॉडी शिवर कर रही थी और हाथ तो दुख ही रहा था। हाथ तो उसका तभी से दुख रहा जब से वैक्सीन लिया था, उसी टाइम से दुख रहा था। मतलब थोड़ा पैनिक हो जाते हैं आपके, आपको पता नहीं, क्योंकि वैक्सीन आप पहली बार ले रहे हो तो आपको पता नहीं रहता है कि क्या करना चाहिए। और मैं भी थोड़ा पैनिक हो गया था, लेकिन सबसे जो बेस्ट बात मेरे को अब तक की लगी ना कि इतनी तबीयत खराब होने के बाद भी ना सोफ़ी बोल रही थी कुछ नहीं होता, मैं ठीक हो जाऊंगी, ऐसा होता है मम्मी। सोफी संभाल रही थी हमको, हाँ कल संभाल रही थी, मेरे को भी बोल रही थी मम्मी घबराओ मत मैं ठीक हो जाऊंगी बोली। पर मेरे को डर लग रहा था कि अपन इनको नहीं लगाते वही अच्छा था। हाँ मतलब एक टाइम तो हम ऐसा बोलने लग गए कि सोफी को तो नहीं इंजेक्शन लगाते, तो ही लगाया इनको लगाने का नहीं था, लेकिन हम ऐसा बोल रहे थे। और सोफी ऑन द काउंटर ऐसा बोलती थी कि नहीं लगाना जरूरी है, जरूरी है। और मैंने बोला कि आप तो सेकंड डोज मत लगाना, आपको ऐसा हो गया, तो वो बोल रही थी नहीं सेकंड भी लगाऊंगे। मेरे केस में मेरे को सिर्फ हाथ में थोड़ा सा पेन रहा था और थोड़ा सा डिजीनेस था, बहुत थोड़ा सा। सोफी तो अभी आराम करेगी, क्योंकि हमने क्या किया सबसे ज्यादा, हमने ये कुछ कि सोफी जितना ज्यादा आराम करेगी उतना ज्यादा अच्छा है। फैन एसी सब कुछ बंद कर दिया, जो भी आपका जो बुखार आया वो पसीने के थ्रू निकल जाए वो सबसे बेस्ट है। और वही हुआ, मतलब काफ़ी कुछ तो फीवर ठीक हो गया, पहले से काफ़ी बेटर है। पर मैंने बोला कि आप अभी आराम करो, मैं ब्लॉग एंड कर देता हूँ। आई होप आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, ये बिट्स एंड पीसेस में था। अगले वीडियो में सोफी बताएगी कि उसको कैसा लग रहा था एकदम डिटेल में। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और बने रहिए, बहुत सारे इंटरेस्टिंग ब्लॉग आते रहेंगे। और प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो कि आपका अगर कोविड वैक्सीन आपने लिया है तो क्या एक्सपीरियंस रहा है। और बस सब्सक्राइब टू सोफी परमार और हम मिलेंगे अगले वीडियो में।